उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन 9 PM में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, सूरत में बिल्डर की सरेआम हत्या, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। नमाज पढ़ने के बाद अधेड़ की चाकू मारकर हत्या, 36 घंटे में 3 हत्याएं। पिछले 36 घंटों में सूरत शहर में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। सलावतपुरा के बाद अब अमरेली में भी। सूरत शहर में पिछले 36 घंटे में 3 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। सलावतपुरा अमरेली के बाद 8वां थाने में भी हत्या की वारदात सामने आई है। सरगमपुरा इलाके में सरेआम हत्या हुई है। पूजा करके यानी नमाज पढ़ के निकलने समय पुरानी रंजिश के बिल्डर की हत्या कर दी गई है। सरगमपुरा के बिल्डर की सरेआम हत्या। सूरत शहर में पिछले 36 घंटों में एक के बाद एक हत्या की 3 वारदात हुई और सूरत पुलिस इन तीनों हत्याओं में से 2 हत्याएं के आरोपी को अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सलावतपुरा और अमरोली के बाद अब सूरत के 8वां लाइंस इलाके में भी स्थित सरगमपुरा तलवाड़ी में बिल्डर आरिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई है। करीब 3 से 4 लोगों ने बिल्डर की हत्या कर दी है और वो खुद भाग गए हैं। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 8वां पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डर आरिफ कुरैशी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे थे, तभी अचानक 3-4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया जिससे वह सड़क पर गिर गए। उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। 55 वर्षीय आरिफ ने दम तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पता चला है कि हत्या पुरानी दुश्मनी रंजिश में की गई है।
ये 18 पुलिस स्टेशन के हद में तलावड़ी एरिया में एक आरिफ कुरैशी नाम के बिल्डर हैं। करीब 55 साल की उम्र है। वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए थे। जब वहाँ से निकल रहे थे तो रास्ते में दो लड़कों ने, एक ने पहले पीछे से इनके सिर में रोड से वार किया और एक लड़का और पास में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी सीसीटीवी फुटेज हम लोग चेक कर रहे हैं। आरोपी दोनों हैं, उनका फोटो हमारे पास आ गया है, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और टीम डिप्लॉय कर दी गई है जो सीसीटीवी के आधार पे, और हमारे बातमीदार जो है वो सबको फील्ड में लगा दिया गया है। तो जल्दी उनको पकड़ लेंगे और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में कुछ आगे बढ़ेगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हत्या करने का कारण, जब एक बार आरोपी पकड़े जाएंगे और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, हत्या का सही कारण सामने आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कौन सा हथियार से मारा? शरीर से मारा है। थैंक यू। सीसीटीवी भी है? हाँ, सीसीटीवी डीवीआर हमने लिया है, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी चालू है। एक बिल्डर प्राइमा फेस इतना पता लगा कि बिल्डर है, करीब 55 साल की एज है। थैंक यू।